यूं तो सर्दियों का मौसम बहुत खुशनुमा होता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। इन दिनों अक्सर देर रात और सुबह धरती के ऊपर धुएं जैसा आवरण छा जाता है। इसे कोहरा या फोग कहते हैं। इसकी वजह से न केवल राहगीरों को बल्कि ट्रेन ड्राइवरों और एरोप्लेन्स के पायलटों तक को रास्ता ठीक से नहीं दिखाई देता। कभी कभी तो कोहरा इतना घना होता है कि हमें ड्राइंग रूम से मकान का मेन गेट तक नहीं दिखाई देता है। सर्दियों में ऐसे दृश्य देखकर यकीनन तुम्हारे मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर यह कोहरा क्या चीज है और ये बनता कैसे है। आइए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवरी की दुनिया में। आगे जाने से पहले बता दें कि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चारों ओर उपस्थित हवा में जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर होती है, जिसे हम नमी कहते हैं। सर्दियों में पृथ्वी की सतह के पास की गर्म हवा में मौजूद जलवाष्प ऊपर मौजूद ठंडी हवा की परतों से मिलकर जम जाती है। इस प्रक्रिया को सघनन यानी कंडेंशन कहते हैं। जब हवा में बहुत ज्यादा कंडेंशन हो जाता है तो यह जलवाष्प भारी होकर पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदलने लगती है। आसपास की अधिक ठंडी हवा के स्पर्क में आने पर इसका स्वरूप धुएं के बादल जैसा बन जाता है। इसी को मौसम वैज्ञानिक कोहरा बनना कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज्यादा घना हो जाता है और इसे स्मॉग कहते हैं। स्मॉग स्मोक और फॉग से मिलकर बना शब्द है। अब तो तुम इसका मतलब समझ ही गए होगे। फैक्ट्रियों का धुआं कोहरे के साथ मिलकर जो बादल बनाता है उसे स्मॉग कहते हैं। बड़े शहरों में दिखने वाला कोहरा गांव व कस्बों में दिखने वाले कोहरे की अपेक्षा अधिक मोटा होता है। कारण यह है कि बड़ीढ़े शहरों की हवा में धूल और धुएं के कण अधिक होते हैं, जो कोहरे में उपस्थित पानी के कणों से मिलकर इसे गहरा बना देते हैं। कोहरे वाले स्थान पर सिल्वर आयोडाइड या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करने से कोहरे में मौजूद पानी बूंदों के रूप में जमीन पर गिर जाता है और कोहरा छट जाता है। तुमने तो सर्दियों के मौसम में ही कोहरा देखा होगा, लेकिन समुद्र में सफर करने वाले नाविक अक्सर कोहरे से परिचित होते हैं। दरअसल समुद्र में पानी की गर्म और ठंडी धाराओं के सतह के ऊपर की हवा से टकराने से कोहरा बन जाता है। कोहरा गेहूं और सरसों की फसल के लिए लाभदायी है। इससे फसलों को नमी और पानी की पूर्ति हो जाती है। कोहरा रेगिस्तानी इलाकों में पशु पक्षियों और वनस्पति के लिए जीवनदाता बनकर आता है। कैलिफोर्निया, कैनरी आइलैंड, केप वर्डे आइलैंड, नामिब डेजर्ट, पेरू और चिली दुनिया के कुछ ऐसे स्थानों में है जहां वर्ष भर सूखा पड़ा रहता है। कोहरे के कारण इन स्थानों में हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस पानी के कारण रेगिस्तानी पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे मजे से जीवित रह लेते हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों ने ऐसी तकनीकें विकसित की है जिनसे कोहरे से पानी एकत्र किया जा सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।